ग्वालियर पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवालिया निशान लगे हैं। जब एसपी ऑफिस जन सुनवाई में गंभीर अवस्था में पहुंची एक विवाहिता और उसके परिजनों ने कंपू थाना पुलिस पर दहेज प्रताड़ना के मामले में आरोपियों पर उचित कार्यवाही न करने के आरोप लगाए हैं। पति की मारपीट में घायल हुई विवाहिता को उसके परिजन अस्पताल से सीधे एसपी ऑफिस लेकर पहुंचे और पुलिस के आला अधिकारियों को अपनी पीड़ा बताई, जिसके बाद जनसुनवाई में मौजूद पुलिस अधिकारियों ने कंपू थाना पुलिस को मामले में उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। दरअसल कंपू थाना क्षेत्र के विजयनगर आमखो में रहने वाले वीरेंद्र पाल से विवाहिता नीतू पाल का विवाह हुआ है और उनके विवाह को 9 वर्ष हो चुके हैं। नीतू के भाई विष्णु सिंह ने बताया कि विवाह के बाद से ही उसकी बहन के पति वीरेंद्र द्वारा दहेज के लिए उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है और उसके साथ मारपीट भी की जाती है। विगत दिनों में की गई मारपीट में उनकी बहन नीतू गंभीर रूप से घायल हुई है। मामले की जानकारी कंपू थाना पुलिस को भी दी गई, लेकिन कंपू थाना पुलिस द्वारा मामले में उचित कार्यवाही नहीं की गई है और न ही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। परेशानी ये है कि मेरी बहन को मारपीट ज़्यादा की है और जो उसके पति हैं उन्होंने मारपीट की है और जो वहाँ पे काम करते थे उनके पति, तो उनको मतलब पता पड़ गया था उस लड़की के चक्कर में अफेयर था। कौन लड़की है? क्या नैन्सी तिवारी नाम है लड़की का, उसके साथ उनके पति का अफेयर था और सिस्टर को पता चल गया, तो उस चक्कर में उन्होंने विरोध किया इस बात का, तो उन्होंने बहुत मारा। कितना मारा है? कितनी कैसी बहुत ज्यादा मरणासन्न स्थिति में उनकी बहन और सास ने सभी ने मिलकर। लड़का एक एजेंसी में काम करता है होंडा के। थाने का मामला है? कंपू थाने का मामला है। तो थाने में आपने बताया नहीं? थाने में शिकायत की थी, टीआई साहब ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है और यहाँ पे 2-4 बार आ भी चुके हैं, आवेदन दे चुके हैं, आज आश्वासन दिया है साहब ने। आज कहाँ पर आए? एसपी साहब, एसपी सिंह के। तो उनसे क्या बात हुई? बात हुई है कि मतलब कार्रवाई करवाएंगे, अभी आश्वासन दे दिया हूँ। यह जनसुनवाई के दौरान एक कुछ परिजन एक युवती को लेके आए थे जिसको नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगी हुई थी और कैथेटर भी लगा हुआ था, वो चलने फिरने बोलने की हालत में नहीं थी। जब पूरे प्रकरण को समझा गया तो इसमें एक 498A और 3/4 दहेज अधिनियम के अंतर्गत उसमें कंपू थाने में FIR दर्ज है। उनका कहना था कि जो युवती है उसके साथ उनके ससुराल वालों ने मारपीट की है और उसमें उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्योंकि अभी अभी हमने डायरी बुलवा के हमने मैंने और एसपी साहब ने देख ली है, उसमें मेडिकल का रिकॉर्ड है वो भी हमने समझ लिया है और जो भी उसमें कुछ चीज़ों की कमी है उसके लिए हमने निर्देशित कर दिया है। अभी युवती की हालत गंभीर है, उसको देखते हुए उसमें हमने जो सुसंगत वैधानिक कार्रवाई बन सकती है उसके बारे में TI को और विवेचक को आदेशित कर दिया गया। उसमें शीघ्र ही उसमें जैसा भी मेडिकल डॉक्यूमेंट हमें प्राप्त होंगे और DPO से राय ली जाएगी, उस हिसाब से उसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। नहीं, लापरवाही का अभी उसमें हमने पूरा डिटेल अभी देखा है कि जो मेडिकल डॉक्यूमेंट जो प्रथम दृष्टया इसमें सामने आए थे उनमें ऐसी कोई लापरवाही परिलक्षित नहीं हो रही है, लेकिन चूंकि आज और मेडिकल डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा और डिटेल में देखा है, एक राय ली जा रही है, DPO से भी राय ली जा रही है, तो हो सकता है इसमें हम कुछ धाराएँ बढ़ाएँ या फिर DPO से राय लें, जैसा उनकी तरफ से राय आएगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP Today Network को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।